सुपरस्टार खिलाड़ियों के साथ जो मैच देखने में मजा है वो और कहाँ। और अब इसी मजे को हमारी भारत सरकार 75 गुना बढ़ाने के मूड में है, लेकिन कैसे होगा मैच में 75 गुना मजा, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंग्लैंड में T20 और वनडे सीरीज में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब रवाना होगी वेस्टइंडीज, जहां पर ODI और T20 मुकाबले होंगे। उसके बाद भारतीय टीम की बी साइड जाएगी जिम्बाब्वे की टूर पर, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट का बूस्टर डोज टीम इंडिया ले चुका है और लगातार क्रिकेट खेलकर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को भी पुख्ता कर रही है। वैसे तो सच्चाई हम सब जानते हैं कि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से भारत को उतनी कड़ी टक्कर नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम एक्साइटेड हैं। क्रिकेट प्रेमी देश है हमारा, और जिस देश के लोग क्रिकेट प्रेमी हो उस देश के सरकार भी इस प्रेम को लपक लेती है, जैसा कि भारत सरकार ने किया। जी हाँ, न्यूज यह है कि भारत की आजादी का 75 साल पूरे होने का जश्न एक क्रिकेट मैच का आयोजन के साथ समाप्त होगा। आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट होगा वर्ल्ड 11 और इंडिया 11 के बीच एक T20 मैच के साथ। दोनों टीमों के बीच खेलने जाने वाले महामुकाबले 22 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक BCCI को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस पर BCCI ने काम भी शुरू कर दिया है। वर्ल्ड 11 के साथ होने वाले इस मैच को लेकर BCCI के अधिकारियों ने कहा है कि हमें सरकार की तरफ से भारत और वर्ल्ड 11 के बीच 22 अगस्त को मैच के आयोजन का प्रस्ताव मिला है, और इसमें वर्ल्ड 11 की तरफ से बोले तो बाकी दुनिया के देशों की तरफ से 13 से 14 खिलाड़ियों की जरूरत होगी। और अब बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन सा खिलाड़ी होगा इस मेगा मैच में शामिल। और जैसे खबरें आ रही है कि उसमें यह पता चल रहा है कि वर्ल्ड 11 के लिए डेविड वार्नर और जोस बटलर की ओपनिंग जोड़ी बनेगी। उनके पीछे पीछे आएगी वर्ल्ड 11 के बेस्ट कैप्टन केन विलियमसन, फिर ग्लेन मैक्सवेल, किलर डेविड मिलर, लियम लिविंगस्टन, साकिब अल हसन, ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस, खगिसो राबाडा और राशिद करामती खान। वहीं हमारे तरफ से कैप्टन रोहित शर्मा, KR राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, पांड्या, जडेजा, मोहम्मद शमी, बुमराह, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार मैदान पर उतर सकते हैं। यूं तो एक फ्रेंडली मैच होगा, लेकिन इस मुकाबले में हर एक भारतीय खिलाड़ी को मौका मिलेगा एक साथ इतने सारे स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का और अपना प्रदर्शन आंकने का। तो 22 अगस्त को तैयार रहिएगा वर्ल्ड 11 और इंडिया 11 के बीच मैच देखने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।